हाय कैंसेरियंस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर के साइन के लिए अगस्त का महीना कैसा होने वाला है। सो लेट्स सी कर्क राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त फॉर कैंसेरियंस, सो लेट्स सी कैंसर, ये आप सन मून राइजिंग जैसे भी आप कैंसेरियन के साथ कनेक्ट करते हैं, कर्क राशि से कनेक्ट करते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून राइजिंग, एनी वेज यू कनेक्ट विद कैंसेरियन। सो लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना। गाइड्स एंजल्स कैंसेरियन, अगस्त फॉर कैंसर एनर्जी, मंथ ऑफ अगस्त फॉर कैंसेरियंस। ओके, सो नाउ आई हैव अ बंच ऑफ कार्ड्स रियली। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो नाइन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और यहाँ पे एक हिडन कम्युनिकेशन, एक हिडन मैसेज, एक हिडन एनर्जी जो है मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो वो बहुत उदासी से गिलहरी को देख रही है और गिलहरी जो है छुप के आई है, अपना मुंह एक्चुअली उसने छुपाया हुआ है। यहाँ पे एक और गिलहरी आपको दिखाई देगी जो पानी पी रही है या पानी में है और यहाँ पे एक छुप के आई है इसको कुछ देने या इससे कुछ बात करने। नाइन ऑफ पेंटिकल जो है आइडियली अबंडेंस का कार्ड होता है, मनी का कार्ड होता है, फाइनली आपके पास कुछ चीज के पहुंचने का कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड होता है और यहाँ पे एक हिडन मैसेज जो है वो आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब हिडन मैसेज कहाँ से आ रहा है, पहली नाइन की एनर्जी, दूसरी फिर से नाइन की एनर्जी, हिडन मैसेज आ रहा है आपका फ्रॉम हर्मिट और हर्मिट से क्या हिडन मैसेज आ रहा है। फिर सी यहाँ पे चाबियां गिरी हैं और ये हर्मिट प्रॉब्ली इन्हीं चाबियों को ढूंढ रहा है, एक चाबियों का गुच्छा हर्मिट के साथ है और इट इज अबाउट फाइंडिंग दैट की। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज की चाबी जो है वो आपको मिलने वाली है। देर इज दैट एनर्जी ऑफ फाइंडिंग दैट की, फाइंडिंग दैट लाइट। और मुझे ऐसा भी लगता है इस एनर्जी से कि कोई चीज जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल आपके पास में है, बिल्कुल आपके साथ में है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि आप उस चीज को एक्चुअल में देख पाओ जो आपके साथ में है, आपके पास में है लेकिन आपकी नजर नहीं पड़ रही है। तीसरा जो है 11 है, 9-11 की एनर्जी बन गई क्योंकि 9-18 फिर से 9 बनता है और 11 की एनर्जी है 9-11 और यहां पे पेज ऑफ सोर्ड्स है जो अपनी स्वॉर्ड उठाकर रेडी है एक्शन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऐसी रोशनी, कोई ऐसी गाइडेंस आपकी तरफ आ सकती है जो बिल्कुल आपके पास है और अगर आप उसको देखते हैं, अगर आप उसको रियलाइज करते हैं, उस हिडन मैसेज को समझते हैं, उस छुपे हुए मैसेज को समझते हैं तो एक्शन की एनर्जी और एक्शन के बाद जीत की एनर्जी जो है दोनों मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यहां पे मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे इफ यू सी डेविल किंग ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत बुरी तरह बिट्रे हो रही है, बहुत बुरी तरह फॉल हो रही है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है या एक जिस तरह के कार्ड्स दोनों तरफ आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी से बहुत स्ट्रांगली बाहर निकलने की एनर्जी है। आपकी डिटर्मिनेशन जो है इस महीने टेस्ट होने वाली है और अगर आप उस टेस्ट को पास करते हो तो आपके व्हील्स जो है, आपका फॉर्चून जो है वो चेंज हो रहा है। 9 और 10 की एनर्जी है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 6 है और डेविल जो है 15 नंबर होता है, फिर से 6 की एनर्जी है। किंग जो है वो 5 नंबर होता है, 6 6 12, हाँ जी बेटा 3 5 6 7 8 और ये 9 की एनर्जी। ओके बेटा, 6 के बाद 7 आता है, 9 की एनर्जी जो है वो बनती है फिर से और शुरुआत भी हमारी 9 की एनर्जी से हुई है, 9 11 और अगेन जो 9 है उसमें 2 मिल जाए तो फिर से 11 की एनर्जी बनती है और यहाँ पे हमारे पास 9 की एनर्जी है, फिर से 2 मिले 11 की एनर्जी बनती है। तो अगेन ओके बेटा, बहुत 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 ब्यूटीफुल और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। सेट एपेप और यहाँ पे मंकी पे कुछ नहीं लिखा है लेकिन मंकी को ऐसा लगता है जैसे चोट लगी है या मंकी की आंखें जो है बंद है और बंद आंखों से वो पहिया घुमा रहा है, किसकी किस्मत में क्या आता है वो आपकी किस्मत पे है। तो उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, किस्मत चेंज होने की एनर्जी जो है वो इस महीने बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल की एनर्जी, मूवमेंट की एनर्जी, रिकग्निशन की एनर्जी, आपका रिवॉर्ड रिजल्ट मिलने की एनर्जी। बट एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि डेविल की एनर्जी है, बीच में कहीं आप स्टक फील कर सकते हैं और आपको अपनी डिटर्मिनेशन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आप उस स्टक एनर्जी में बिल्कुल ना जाएं। और अगेन कोई हिडन मैसेज है, मतलब ये चीज जो है, ये चेंज जो है, ये बहुत विजिबल नहीं होने वाला है, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हिडन जो शायद बहुत विजिबल नहीं होगा लेकिन अगर आप उसको रियलाइज कर लेंगे, अगर आप इस महीने उसको पकड़ लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी जो है वो बहुत बहुत ब्यूटीफुली तब्दील होने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर यू। कर्क राशि कैंसेरियंस, मंथ ऑफ जुलाई,
2020 month of August 2022 sorry August 2022 guides angels cancerians okay so first जो है वो butterfly की energy है लेकिन यहाँ पे two of pentacle है जो कि एक तरह से juggling की energy होती है और juggling के complete होने की energy जो है second दिखाई दे रही है मुझे क्योंकि यहाँ पे two of pentacle के बाद ten of pentacle की energy है so two से ten की energy आई है सीधा ही और this is about completing that juggling completing that struggle और एक साइकिल कंप्लीट होना और यहाँ पे लिमिटेशन को कट करने की एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे वो स्वॉर्ड्स जो है वो आपके पास वो तलवार है वो आपके पास एबिलिटी है जहां पे आप ककून को जो है उस कैटरपिलर को जो है वो बिल्कुल हाफ में कट कर सकते हो बिल्कुल खत्म कर सकते हो जो अगर आपको नेगेटिविटी दे रहा है और दूसरा आपको सेफगार्ड भी करना है अपने आप को क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हो रही है और बटरफ्लाई ऑलरेडी निकल आई है तो ककून लास्ट में कट हो रहा है जहां पे बटरफ्लाई ऑलरेडी बाहर है किसी चीज को कंप्लीट होने के लिए किसी टास्क को कंप्लीट होने के लिए आपका अटेंटिव होना जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अटेंटिव एनर्जी में रहें और आप चीजों को जो है वो क्लियरली देखें क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे ओके सिक्स ऑफ कप्स उल्टा था और सन जो है वो सीधा एट ऑफ कप्स जो है वो सीधा था ओके इफ यू सी दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं अगर आप यहां से देखोगे तो यहां पे ये ट्री और ये जड़ की तरह अंदर अंदर जो है वो वैसा लगेगा और अगर आप यहां से देखोगे तो भी सीधा लगेगा यहां से देखोगे तो भी ये कप सीधे और यहां पे आसमान की एनर्जी लगेगी ये पहाड़ लगेंगे और यहां से देखोगे तो यही पहाड़ लगेंगे और यहां पे सूरज की एनर्जी लगेगी सो इट इज लाइक इट विल डिपेंड अपॉन योर पर्सपेक्टिव हाउ यू लुक एट थिंग्स आपके पर्सपेक्टिव पे 7 और 6, 13 नंबर 4 की एनर्जी बनती है और यहाँ पे 8 है 9, 10, 11, 12 सो 3 की एनर्जी बनती है आपके प्रस्पेक्टिव पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है आप चीजों को कैसे देखते हो आपका नजरिया क्या है और ये महीना आपका नजरिया जो है बदल देने वाला है बहुत अलग तरह से आप चीजों को देखोगे आपका नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कोई स्ट्रगल या प्रॉब्लम अगर रिलेशनशिप में थी तो वो सॉल्व हो सकती है आपको डिटरमाइन होकर स्टेप लेना पड़ेगा और अगर किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं तो राइट देयर आपके बिल्कुल पास में है वो आपको सिर्फ रियलाइज करना है और आपके सामने आ जाएगी बट इस महीने ज्यादा डीपली रिलेशनशिप में नहीं जाना है मुझे ये महीना जो है अपने आप की एनर्जी पर अपने आप का पर्सपेक्टिव जो है उसको चेंज करने पर अपने आप के इमोशंस को बैलेंस करने पर उस तरह की एनर्जी जो है मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है अगर करियर की बात करूं तो ग्रोथ बिल्कुल आपके पास है चाबी या नई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके पास है बिल्कुल कोई मेल आपके इनबॉक्स में पड़ी हो सकती है जिसको आपने देखा ही ना हो अब तक तो उसको देखिए क्योंकि मुझे किसी तरह का गेन किसी तरह का रिकग्निशन रिवॉर्ड आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और पुरानी स्टक एकदम बंद होने वाली एनर्जीज जो है वो चेंज होती हुई दिखाई दे रही है कुछ बहुत बड़ा बदलाव जो है वो मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बदलाव जो है आपके पर्सपेक्टिव को जिंदगी के प्रति जो आपका नजरिया है उसको कंप्लीटली बदल देगा Let's see what is the theme or keyword for month of August for you. Keyword for the month of August for Cancerians. Okay, तो keyword जो है वो दो keywords आपके लिए आए हैं और पहला keyword है guilt और दूसरा keyword है nothingness. Wow. So this is again that energy जो बोलती है कि आपका आप कैसे चीजों को देखते हो आप कैसे चीजों को अपने आप में लेते हो वो बहुत मैटर करता है यहाँ पे गिल्ट और रिलीज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि पुरानी एनर्जी पुराना गिल्ट पुरानी चीजें अपने हेड को स्क्रैच करना बहुत सारी चीजों के बीच में अपने आप को सप्रेस्ड फील करना से एकदम डिवाइन एनर्जी एकदम नथिंगनेस की एनर्जी एक नई क्लीन स्लेट जहां से आप एक नई बिगिनिंग जो है वो ला सकते हो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ओके सॉरी गाइस फॉर द ब्रेक ओके सो नथिंगनेस की एनर्जी है और गिल्ट को आपको रिलीज करना है जो भी लिमिटेशंस है उनको रिलीज करना है एंड इस महीने आपके पास वो एबिलिटी है नथिंगनेस इज लाइक अ क्लीन स्लेट जहां पे आप कुछ नया जो है वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हो और पुरानी एक्सपीरियंसेस पुराने जो चीजें आपके साथ हुई हैं नाउ दीज आर टू मेनी मैं एक और लेने की कोशिश कर रही हूं दैट नथिंगनेस की एनर्जी कहां आपको लीड करेगी बट यहाँ पे मुझे एक और चीज लग रही है कि पुरानी जो चीजें हुई हैं पुरानी जो सिचुएशंस हुई हैं वो डेफिनेटली आपको कहीं किसी नए बिगिनिंग की तरफ यस टोटैलिटी एक कम्प्लीशन क्योंकि 5 और 5, 10 होता है कम्प्लीशन की एनर्जी है और 8+1, 9 होता है फिर से 9 की एनर्जी है मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना जो है वो आपको सितंबर के लिए तैयार कर रहा है और सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल पॉजिटिव पावरफुल एनर्जीज जो है वो आपका वेट कर रही है लेट्स सी फॉरेस्ट फेयरी से आपको क्या मैसेज मिलता है ओके नाउ
I'm going to take this one जो ऊपर आया है and it's a raven I think walker on the wind और the raven shows the way be courageous change the chance can bring exciting one exciting मैं खुद नहीं पढ़ पा रही wonders okay so ये बोलता है कि raven जो है वो आपको बता रहा है रास्ता दिखा रहा है आपको बोल रहा है कि courageous रहो और पास से देखा तो यहाँ पे एक छोटी सी angel जो है वो आपको दिखाई दे रही है wild fairy और वो raven पे सवार कर रही है सवारी कर रही है और definitely नए wonders नए chances नई beginnings नई energies जो है वो आपकी तरफ आ रही है 9 जो है वो एक तरह से completion की energy होती है जो 10 पे जाती है और 10 जो है वो एक नई beginning की energy होती है क्योंकि 1 और 0 जो है वो आता है 10 में और आपके लिए बहुत वंडरफुल कार्ड्स आ रहे हैं कैंसेरियन बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर एंजल्स फॉर कैंसेरियन मंथ ऑफ अगस्त 2022 कैंसेरियन लाइट ऑफ प्रिंसेस ऑफ लाइट का कार्ड है ये कैंसेरियन फॉर मंथ ऑफ अगस्त 2022 कर्क राशि अगस्त 2022 what do they need to know what is the light okay now these are too many but I'm guided to pick them up okay so pehli energy hai प्री कॉग्निशन जो साइकिक एबिलिटी फॉर्च्यून या विजन बताती है आपकी नंबर 13 की एनर्जी है 4 कि आपकी विजन जो है वो बहुत पावरफुल होने वाली है आपको पहले ही इवेंट्स का बहुत कुछ पता लगने वाला है कुछ हिडन एनर्जीज जो है वो आपकी तरफ आने वाली हैं दूसरा 41 है जो 5 की एनर्जी है 5+4 फिर से 9 की एनर्जी बनती है सर्कल ऑफ इटर्नल जॉय टाइमलेसनेस डांस ऑफ लाइफ और डेफिनेटली एक नई व्हील ऑफ फॉर्चून नया सर्कल नई बिगिनिंग जो है वो आपके लिए स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फिर से 9 की एनर्जी आई है दिस इज सो वंडरफुल आई एम सीइंग सो मच ऑफ 9 की एनर्जी फॉर यू और ये बोलता है ब्राइट हार्ट लाइट ओपन कनेक्शंस डेफिनेटली नए कनेक्शंस नई बिगिनिंग्स कोई नया सर्कल कोई नई एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ रही है और इस महीने आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई रहने वाली है बहुत पावरफुल रहने वाली है उस इंट्यूशन का 100% इस्तेमाल करें और अपनी इंट्यूशन को 100% फॉलो करें फ्लेमिंगो की एनर्जी है रीबर्थ की एनर्जी है पावर की एनर्जी है और ये बेसिकली घात लगा के बैठा है द मोमेंट फिश आएगी वो अटैक कर लेगा और उसको पकड़ लेगा सो डेफिनेटली इंट्यूटिव एनर्जी है सो अपनी इंट्यूशन का जो है वो 100% यूज करें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है पुराने गिल्ट जो है रिलीज कर दीजिए नथिंगनेस की एनर्जी में आइए एक कंप्लीशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है लेट्स सी सेकेंड पैरा फ्रॉम राइट साइड ओके सेकेंड पैरा फ्रॉम राइट साइड इट सेज रामा अग्री टू लेट भरत राम ओके जस्ट गिव मी वन सेकेंड रामा अग्री टू लेट भरता पुट रामास सैंडल ऑन द थ्रोन टू बी ऑनर्ड एज किंग अंटिल रामास टर्म ऑफ एग्जाइल वॉज फुलफिल्ड दिस मीन्स दैट इवन दो द ट्रू रूलर कैन नॉट हैव पावर वन कैन गवर्न इन हिज नेम एंड मेंटेन द रूल ऑफ राइटियसनेस अंटिल द सिचुएशन कैन बी रेक्टिफाइड दिस इज एन अनयूजुअल सिचुएशन बट वन दैट विल गिव सक्सेस इन द लॉन्ग रन तो डेफिनेटली कुछ साइकिल जो है एंड की तरफ आ रहा है एक नई एनर्जी एक छुपा हुआ क्योंकि एक तरह से छुपी हुई ब्लेसिंग थी श्री राम के लिए भी और भरत के लिए भी और भरत और राम की एनर्जी तो गाइड की एनर्जी जो है राम जो है एक गाइड की तरह थे हर्मिट की एनर्जी आई है अगर यहां पे देखें आप तो हर्मिट की एनर्जी आई है आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चैलेंजेस कुछ ऐसे सिचुएशंस कुछ ऐसे रेक्टिफिकेशंस कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है जहां पर सिचुएशन जो है थोड़ी सी अनयूजुअल होने वाली है लेकिन अगर आप उस एनर्जी को अंडरस्टैंड करेंगे अपने गाइड्स जो है उनको सुनेंगे और सब कुछ जो है वो डिवाइन के ऊपर छोड़ते जाएंगे लेकिन अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली एनर्जीज आपको या लाइफ आपको एक नया टर्न एक नई पॉजिटिविटी और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी सक्सेस जो है वो देने वाली है और ये बहुत बहुत अगेन बहुत पावरफुल एनर्जी है नंबर ऑफ द मंथ नंबर 9 है कोई डाउट ही नहीं है इसमें और कलर ऑफ द मंथ में ग्रीन बोलूंगी हार्ट चक्रा की मेडिटेशन जरूर करें और ग्राउंडिंग जरूर करें दोनों आपको हेल्प करेंगी मंत्रा ऑफ द मंथ आपका यही है कि आपने रिलीज की एनर्जी में रहना है कोई भी चीज जो है वो आपके बिल्कुल आसपास हो सकती है अगर आप बैलेंस की एनर्जी में होंगे तो आप रियलाइज करेंगे और एक कंप्लीशन जो है वो आपकी लाइफ में आएगी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें सब तक पहुंचाएं और शेयर करें और फीडबैक जरूर दें थैंक यू सो मच होप कि आपका महीना बहुत अच्छा हो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय